आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। रक्षा मदन उत्साह, धनबाद अब बड़े सपने देखेगा भी, पूरा भी करेगा। मयूर शेखर झा। शनिवार को धनबाद के सेलिब्रेशन में रक्षाबंधन का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी मयूर शेखर झा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मयूर शेखर झा की धर्मपत्नी मनीषा राव उपस्थित हुई। इस अवसर पर मयूर शेखर झा एवं मनीषा राव ने कार्यक्रम में शामिल हुए विभिन्न कॉलेज की छात्रा बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को अपने जीवन में आगे बढ़ने, अपने करियर बनाने के क्षेत्र में कई टिप्स भी दिए। मयूर शेखर झा ने कहा कि धनबाद अब आगे बढ़ने का सपना दिखेगा, धनबाद उन सपनों को पूरा भी करेगा। सबसे पहले आज का आयोजन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रोहित, अंकित, नवाजिश और नितेश मेरे भाइयों को। इन लोगों ने आज इस कार्यक्रम का बहुत सफल आयोजन किया, इसके लिए मैं इन लोगों को धन्यवाद और तारीफ इन लोगों का करना चाहूँगा। ये लड़के मेरे पास आए और पॉलिटिकल भी हैं और सामाजिक भी हैं, और इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली। ये चारों लड़के रोहित, नवाजिश, अंकित और नितेश लोग मेरे पास आए और इन लोगों ने बड़ी अच्छी बात मुझे बोली। उन्होंने कहा कि भैया लड़कियों का, खासकर जो कॉलेज लड़कियां जा रही हैं, उनका हिंदुस्तान की और धनबाद की पॉलिटिकल क्लास पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैंने इनसे ऐसी एक राजनीतिक चर्चा इन लोगों के साथ कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। और मैंने जो चर्चा का सार था वो ये था कि भाई लड़कियों का पार्टिसिपेशन इन एसयूआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में या छात्र राजनीति में लगातार लड़कियों का पार्टिसिपेशन गिरता क्यों जा रहा है। तो उसमें इन लड़कों का कहना था, बड़ा एक वैलिड कहना था कि भैया इनका पार्टिसिपेशन इसलिए गिर रहा है क्योंकि इनका पोलिटिकल क्लास पर से विश्वास उठता जा रहा है, और उस विश्वास को उठाने में कहीं ना कहीं धनबाद की राजनीतिक क्लास की गलतियाँ हैं जिसके कारण इनका विश्वास उठा। तो मैंने सब विश्वास कैसे कायम, तमाम बातें हुई। तो मैंने रोहित को कहा कि रोहित इन बहनों से राखी बंधवा। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में मेरी आस्था है, हिंदू धर्म को मैं मानता हूँ, और मेरे लिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आस्था का प्रतीक है। तो आज मैं अपनी आस्था अपनी छोटी बहनों के बीच लेकर आया हूँ, अपनी छोटी बहनों के सामने मैं अपनी आस्था लेकर आया हूँ, और अपनी आस्था मैं इनके सामने जो है रख रहा हूँ, और अपनी आस्था का वास्ता इन लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग आइए, मुझ पर नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर से आपका विश्वास नहीं उठना चाहिए। मयूर शेखर झा आता जाता रहेगा, नेता आते जाते रहेंगे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान ये सर्वोपरि है, इस पर से आपका विश्वास नहीं उठना चाहिए। और एक भाई के नाते आज मैं आपके बीच आया हूँ, ये मेरी यहाँ पर चुनाव लड़ने की मंशा है, ये आप लोगों में से किसी से छुपी नहीं है। कल को अगर आप लोग मुझे ताकत देती हैं और कहीं मेरा कदम डगमगाया तो ये मैं जो अपनी आस्था लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच, आप इस आस्था का वास्ता देकर मेरे डगमगाते हुए कदम को रोक सकते हैं, मेरा कॉलर पकड़कर आप लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मेरे लिए राखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है, मैं इस प्रतीक को हल्के में नहीं लेता हूँ। संदेश, चार पाँच बातें हुई इन बहनों से जो कि आप थी अभी कार्यक्रम में मौजूद थी, और इन लोगों का अपने मन की बड़ी खुश है हम यहाँ बहनों से मिलके, और दिन से हम ना शुभकामनाएं देते हैं, सब उन्हीं के साथ हैं, हम यहाँ पे प्रेरित प्रोत्साहित करने आए हैं आगे बढ़ने के लिए, कैसे वो अपने क्षेत्र में अपने कार्य में कैसे आगे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं। सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल होता है, जो बच्चे अगर से बाहर निकलती है तो हमारे ये पूछते हैं काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं, इसको लेकर क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? कड़ी कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लड़कियों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि हम उनको ये बोलें कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, उनको ये बोलना चाहिए कैसे वो इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। या तो कोई ऐप होना चाहिए जिससे वो अपने आसपास के लोगों को, मतलब बहुत कन्वीनियंटली उस ऐप पे आप मे बी यू कैन जस्ट प्रेस द बटन एंड टेल देम दैट वी आर इन डेंजर। आई थिंक दैट शुड बी, आई रेड समवेयर यस्टरडे देयर इज एन trying to come out with an app where they could just, by the press of a button, they could just alert people around them to, take an action, quick action. और कानून व्यवस्था अभी हम नहीं जानते यहाँ की कैसी है, क्योंकि देश भर में हमें सुनने को मिल रहा है कभी यहाँ पर कोई रेप हो रहा है, कभी वहाँ कोई रेप हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें और
जागरूकता चाहिए इसमें, और हमें लड़कियों को थोड़ा हिम्मत देना है कि कैसे वो इस चीज़ से डील कर सके और इन चीज़ों से बच सके, इस नवाजियत से बच सके। चूँकि आज आप यहाँ पे जो भी छात्राएं थी धनबाद उनसे मिली, बहनों से मिली, स्टार्टअप के क्षेत्र में आप खुद एक बेहतर कार्य कर रही हैं, तो इससे बेहतर भविष्य के लिए स्टार्टअप के क्षेत्र में लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहिए?